कलेक्टर सोमेश मिश्रा संजीवनी हेल्थ कैंप ग्राम पंचायत तलावली में पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों बच्चों में अपने स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए भारी उत्साह दिखाई दिया। वहां पर जो टैंक की व्यवस्था की गई थी वह कम पड़ गई। हेल्थ कैंप में जहां ग्रामीणों एवं बच्चों ने अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया, वहीं पर ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया एवं कलेक्टर मिश्रा ने भी अपना बीपी चेक करवाया। यहां पर स्वास्थ्य विभाग का अमला एवं आयुष विभाग का अमला संयुक्त रूप से कैंप में अपनी सेवा दे रहे थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JPS ठाकुर एवं जिला आयुष अधिकारी श्रीमती प्रमिला चौहान उपस्थित थे। कलेक्टर मिश्रा ने हेल्थ कैंप में ग्रामीणों से रूबरू चर्चा की एवं निर्देश दिए कि सभी ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाए एवं इसके अतिरिक्त इनके परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, जिससे शासन की योजना के अनुसार यदि कोई बीमार होता है तो उसे 5 लाख रुपए दवाई आदि के लिए दिए जा सके। श्री मिश्रा ने कहा कि सभी ग्रामीणों के संजीवनी कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य की समस्त जानकारी इस कार्ड में रहे। इस संजीवनी कैंप में टीकाकरण से यदि कोई रह गया हो तो अपना टीकाकरण करवा लेवे। कलेक्टर मिश्रा ने बच्चों से स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की एवं स्वास्थ्य के संबंध में क्या क्या सावधानियां रखी जाए उसे बताया गया। सावधानी इलाज से बेहतर है। इस कैंप में अपना चेकअप अनिवार्य रूप से करवाए, जिससे यदि कोई बीमारी हो तो उसका पता अभी लग जाए एवं उसका इलाज किया जा सके। आदिवासी बाहुल्य जिला जहां 90% आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, जिले में स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इसे सुधार हेतु संजीवनी हेल्थ कैंप कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा एक अभिनव पहल प्रारंभ की है, जिसके तहत हितग्राहियों की समस्याओं को दूर करते हुए प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन किया जाकर अन्य सहायक सेवाओं का भी समेकित संजीवनी हेल्थ कैंप में किया जाएगा। शासन की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान निरामय भारत को हितग्राही का चिन्हांकन इस कैंप की विशेषता रहेगी। वैक्सीनेशन तथा आयुष शिविर की उपलब्धता रहेगी। इस कैंप में संजीवनी कार्ड का वितरण होगा। जिले में प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें MBBS तथा CH ऑफिसर उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक विकास खंड में एक दिवस में 4 कैंप कुल 24 कैंप आयोजित होंगे। प्रत्येक सप्ताह में कुल 48 ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे एवं उनकी माताओं, गर्भवती माताओं तथा किशोर बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण अंतर्गत HP की जाँच, हेपेटाइटिस बी, आयरन की कमी, शुगर, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड प्रेशर आदि की जाँच की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर संजीवनी रजिस्टर का संधारण होगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, आदिवासी विकास विभाग, राजस्व विभाग को दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर स्वयं संजीवनी कैंप की सतत मॉनिटरिंग एवं व्यवस्था का जायजा लेंगे। विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी यह कैंप आयोजित होगा। संजीवनी कैंप तलावली में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JPS ठाकुर, जिला आयुष अधिकारी श्रीमती प्रमिला चौहान, डॉक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर तरुण जैन, तहसीलदार आशीष राठौर एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। भाई बच्चों तक का बन जाता है, अगर किसी परिवार में है तो प्रत्येक मेंबर में 5 लाख रुपए सरकार इलाज के लिए साल भर में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराती है। अभी कोरोना फैला था, आप लोगों ने देखा था, कई लोगों की गांव में डेथ हुई, ठीक है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल का बिल बहुत आया। तो उससे बेहतर है कि आप भाई आयुष्मान कार्ड रहेगा तो मुफ्त इलाज होगा, निःशुल्क। तो आज यहाँ सभी टीम है, आशा आंगनबाड़ी की भी टीम है, ANM दीदियाँ भी हैं, ठीक है, और पंचायत के सचिव GRS भी हैं। तो पूरे स्वास्थ्य का सब लोग परीक्षण कराइए और इसीलिए शुरू कराया गया है। और हर ब्लॉक में हर बुधवार को और हर शनिवार को 2 दिन हम किसी एक ब्लॉक में 4 गांव लेंगे। जैसे आज यहाँ पे तलावली में लगा है, और कहाँ लगा है? बिसौली में सांदला, बरखेड़ा। तो बरखेड़ा, सांदला, बिसौली और तलावली, यहाँ पे 4 जगह आज ये कैंप लगाया गया है झाबुआ में। और पूरे जिले में टोटल 24 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में 4-4 ये कैंप लगाए गए हैं। तो इससे एक और फायदा है, तो यहाँ के CHO कौन है? CHO क्या नाम है आपका? प्रतापपुरिया। इनको जानते हैं आप लोग? भाई लोग इनको जानते हैं कोई?
ये नई पोस्टिंग आपके यहाँ हुई है, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? आंगनवाड़ी के पास केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ ये बैठते हैं। तो अभी हमारे यहाँ का तो इसे हल्का सा सर्दी जुखाम बुखार हुआ, मौसम जब बदलता है, उल्टी दस्त ये सब होता है, तो इन डॉक्टर साहब के पास जाना है आपको। अभी क्या कहते हैं, वो झोला छाप डॉक्टर झाड़ फूक के पास आप चले जाते हैं, वो पैसा लेता है, उल्टी सीधी दवा दे देता है, ताबीज वबीज दे देता है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। शरीर आपका मजबूत है, दो तीन दिन का अपना ठीक होता है, नहीं तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो भर्ती कराना पड़ता है। तो झोला छाप डॉक्टरों का बहिष्कार करना है, ठीक है। कोई जानकारी मिले बताना, उनका हम कार्रवाई करेंगे और इन डॉक्टर साहब को दिखाना, ठीक है। तो हल्की फुल्की बीमारी का इलाज ये कर देंगे, और अगर कोई गंभीर बीमारी होगी तो डॉक्टर साहब आपको रिफ़र कर देंगे, तो वहाँ इलाज होगा आपका, सब निःशुल्क, ठीक है। और अपना नंबर आप इसमें पंचायत भवन में लिखवा दीजिएगा इनका, सर बड़ा बड़ा, ठीक है। तो देखो भाई, हम भी आपके लिए शिविर के साथ उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम भी अपना ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो तनाव रहता है तो उसकी भी हम भी जांच करा रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसको बिस्कुट दो, खाता है बिस्कुट, रो रहा है। कितने महीने का हो गया? कितने महीने थे ये? हाँ, तो 6 महीने को ऊपर है तो खा ले। फिर से वो थोड़ा सा तन बढ़ा हुआ है हमारा भी, ठीक है। एक बार करो देन, ठीक है। 84 तो ज्यादा हो जाता है, नहीं 90 से कम होना चाहिए। वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हमारा भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब बहुत तनाव दे रहे हैं लोग। अच्छा, ये कितने बच्चों की उम्र? 12 से 14।